हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईटेल फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए हम आपको कुछ तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन की बैटरी को बचा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो भी ऐप आप चलाते हैं उसे ऐसे ही बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं जो कि ऐप्स रन करते हैं। इससे फ़ोन की बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाती है और साथ में आपका डाटा भी ख़त्म हो जाता है। तो जब भी आप ऐप को चला लें तो ऐप को बैकग्राउंड से हटा दें, इससे फ़ोन की बैटरी भी बचेगी और डाटा भी बचेगा। तो इतना करने के बाद अब फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब यहाँ पर चेक करना है फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आप अपने फ़ोन में चेक कर लेना, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आया रहेगा तो अपडेट कर देना। अपडेट करने से फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी। अगर आपके बैटरी में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह आपको करना है, प्रॉब्लम सही हो जाएगी। इतना करने के बाद अब देखिए, अगर आप चाहते हैं आपके फ़ोन की बैटरी और भी ज़्यादा समय तक चले तो फ़ोन में दिया रहता है पावर सेविंग मोड या फिर बैटरी सेवर। तो इस सेटिंग को आप ऑन कर लें, इससे मोबाइल की बैटरी और भी ज़्यादा समय तक चलेगी। तो इतना करना है। इतना करने के बाद अब देखिए, फ़ोन का जो पावर बटन है जिस बटन से मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। तो ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, बल्कि फ़ोन के अगर कोई सिस्टम सेटिंग में प्रॉब्लम रहेगी तो सही हो जाएगी। तो इन तरीकों की मदद से आप अपने फ़ोन को सही कर सकते हैं, बैटरी को आप बचा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।